हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। आज अपन बात करने वाले हैं आईटीआई की चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ हिंदी में। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। प्रवेश आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रवेश वाला ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है प्रवेश पे, ठीक है। तो मैं इस पे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ प्रवेश पे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा प्रवेश रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने इसका जो होम पेज है वो ही दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस आपको जो ईमेल आईडी पे आपको जो आईडी पासवर्ड आया है वो आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, हमारे सामने ये खुल गया है। आपको यहाँ पर डालना रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर डालना आपका पासवर्ड, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको जो नंबर प्राप्त होगा वो डालना है और पासवर्ड में आपकी जो होगी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आपको डालना है बगैर स्पेस के, बगैर कोई चिन्ह के, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। जैसे ही आप लॉग इन आई डी करेंगे आपके सामने इस तरह का ये पेज खुल जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर जाना पड़ेगा थ्री डॉट पे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है थ्री डॉट पे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं थ्री डॉट पर। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कृपया चॉइस फिलिंग करने से पहले अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये आपको चेक करनी है, ठीक है, 10वीं के आधार पर, तभी आप लोग आगे चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए हम करते हैं चॉइस फिलिंग यहाँ पर। जैसे ही आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की पेज खुल जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा पे चॉइस फिलिंग फीस, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये खुल जाएगी। यहाँ पर आपको टिक करना है और प्रोसेस विद पेमेंट पर क्लिक करना है, यानी पहले आपको पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, इसके पश्चात आपका चॉइस फिलिंग वो होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं पेमेंट पर। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया, मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नाम आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर कितना पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ 50 रुपये दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं करूँगा यूपीआई यानी फोन पे से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर टिक करूँगा मैं, तो मेरी जो पेमेंट है वो दोस्तों यहाँ 55 रुपये यहाँ पर बढ़ जाएगी, 5 रुपये यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर टिक करना आपको आई एक्सेप्ट क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करो, जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो यूपीआई से, देखिए यहाँ पर 5 रुपये बढ़ गए, मतलब 55 रुपये हो गए। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर करना है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे, अब देखिए आप लोग, जैसे ही आप लोग ये आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको दोस्त देखना है आप किस जिले में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। मैंने कर लिया भोपाल। इसके पश्चात आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट आई टी में, प्राइवेट आई टी में, ठीक है। तो मान लो मैं गवर्नमेंट लूंगा, तो यहाँ पर मैं करूँगा गवर्नमेंट में क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो भोपाल की दोस्तों यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी, भोपाल आई टी में जितने भी ट्रेड हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब उस आई टी में मान लो पहली ट्रेड कौन सी है, इलेक्ट्रीशियन है या जो भी ट्रेड है, मान लो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन दिख रही, ठीक है, तो मान लो मुझे इलेक्ट्रीशियन दिख रही, ठीक है, ये वाली, इस पर आपको दिख रहा है एरो कनेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है एरो पर। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको शामिल हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। फिर आपको दूसरी मान लो मुझे फेडरल लेना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा फेडरल पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे सामने यहाँ पर दूसरी ट्रेड आ जाएगी, ठीक है। तो आप जो जो क्लिक करते जाओगे फर्स्ट पर, लेकिन आपको दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस है, पहले आपको जो भी आपकी पसंद की ट्रेड है वो आपको डालनी फर्स्ट पे, फिर आपकी सेकंड में, उसके पश्चात वो नहीं मिली तो ये नहीं मिली तो ये, ठीक है। तो आपको 4 या 5 यहाँ पर डाल देनी, ठीक है। मान लो पहले इलेक्ट्रीशियन डाल दो, फेडरल डाल दो, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो भी आपके लिए कोपर डाल दो, ठीक है, जो भी आपके लिए आपको मिल जाए यहाँ पर। इसके पश्चात आपको क्या करना, देखो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चॉइस लॉक का ऑप्शन, ठीक है, यदि डालने के पश्चात, ठीक है, कौन कौन सी ट्रेड, कौन कौन सी आइटम, ठीक है, आपको करना है दोस्तों यहाँ पर चॉइस लॉक क्लिक करोगे, फिर ये पूछ रहा है कि आपको चॉइस करना लॉक करना है, तो आपको यस प्रोसेस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों हम चॉइस लॉक करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर जाएगा ओटीपी, आपको ओटीपी यहाँ पर डालना और चॉइस लॉक आपको यहाँ पर करनी है। चॉइस लॉक होने के पश्चात दोस्तों हमारे सामने इस तरह का ये खुल जाएगा। और अब हमको दोस्तों यहाँ पर जो रहेगी प्रिंट लेना पड़ेगा, यानी हमने जो आवेदन कराया चॉइस लॉक का, वो हम दोस्तों यहाँ पर उसका जो प्रिंट है वो दोस्तों यहाँ प्रिंट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।